आज के पार्ट में हम देख रहे हैं एरर्स के बारे में। जब हम अपना एसक्यूएल कनेक्ट करने जाते हैं तो ये एरर आ जाती है, और जब हम कोई सर्विसेज ऑन करने जाते हैं तो ये एरर्स आ जाती है हमारी। ना तो एजेंट सर्विस ऑन होती है, ना ही MSSQL सर्विस ऑन होती है। देखिए क्या होता है, जब हम ये कनेक्ट करने जाते हैं अपना एसक्यूएल सर्वर, तो हमारे सामने ये एरर आ जाती है जो मैंने सबसे पहले लिख रखी थी, ये नेटवर्क रिलेटेड एरर आ जाती है ये वाली। और जब हम सर्विसेज ऑन करने जाते हैं, सर्विसेज डॉट MSC लिखिए आप रन कमांड में, आपकी सर्विसेज खुल जाएंगी। एस टाइप करते हैं तो SQL की सारी सर्विसेज यहाँ पे आ जाती हैं। तो हम यहाँ देखते हैं MSSQL की और हमारी एजेंट सर्विसेज दोनों ही ऑफ हैं, इन्हें हमें इनेबल करना है तभी हमारा SQL कनेक्ट होगा। और जब हम ये कनेक्ट करने जाते हैं तो हमारे सामने दूसरी एरर आ जाती है, विंडोज़ कुड नॉट स्टार्ट द SQL सर्वर ऑन लोकल कंप्यूटर। ये एजेंट सर्विस जब हम ऑन करते हैं दो भी एरर आ जाती है। तो अब हम इनके लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। तो हमें सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में जाना है। स्टार्ट पे जाइए आप, और SQL हमारे टूल्स दिखेंगे आप, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करिए। ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर आपके सामने खुल गया। इसके अंदर आपको प्रोटोकॉल फॉर SQL सर्वर पे खोलना है, वो आपको मिलेगा SQL सर्वर नेटवर्क के अंदर, ठीक है। और जब आप सर्विसेज पे जाते हैं तो यहाँ सर्विसेज भी आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, आप उसको रन कर सकते हैं सर्विसेज। और जब मैं यहाँ से भी स्टार्ट करता हूँ सर्विसेज को, तो देखिए हमारे सामने ये एरर आ जाती है, द रिक्वेस्ट फेल्ड और द सर्विस डिड नॉट रिस्पॉन्ड इन ए टाइमली फैशन। यहाँ पे जब हम यहाँ से सर्विसेज ऑन करते हैं तो ये एरर आ जाती है, चाहे आप एजेंट सर्विस ऑन करें तब भी सेम एरर आ जाएगी। देखिए सेम एरर आ गई थी। अब हमें इस को सॉल्व करने के लिए करना क्या है, जो आपको मैंने बताया था, नेटवर्क प्रोटोकॉल पे जाना है आपको, और वहां पे आपको मिलेगा VIA, वर्चुअल इंटरफेस अडेप्टर, उसको डिसेबल कर दीजिए बस, ओके। और फिर जाके आप अपनी दोनों सर्विसेज, MSSQL की सर्विस स्टार्ट पे क्लिक करिए, स्टार्ट हो जाएगी तुरंत, रिफ्रेश कर दीजिए, स्टार्ट हो गई, रनिंग स्टेज में आ जाएगी तुरंत स्टार्ट होके। ये देखिए रनिंग आ गया। उसके बाद आप अपनी एजेंट सर्विस को भी स्टार्ट कर दीजिए, वो स्टॉप्ड है, वो भी स्टार्ट होके रनिंग स्टेज में आ जाएगी। ये भी रनिंग हो गई, वो भी रनिंग हो गई, दोनों कोई इशू नहीं है। बस आप बंद करिए अपना SQL ऑन कर दीजिए और यहाँ से कनेक्ट करिए। जैसे आप कनेक्ट करेंगे आपका SQL कनेक्ट हो जाएगा, सारे डेटाबेसेस वगैरह आ गए, कोई इशू नहीं। तो इस तरीके से आपकी सर्विसेज भी ऑन हो गई और SQL कनेक्ट होगा, कोई एरर नहीं।